हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कम से कम कितने में ट्रैक्टर ले सकते हो, मतलब मिनिमम कितना डाउन पेमेंट देके आप ट्रैक्टर अपना घर ला सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। ट्रैक्टर से किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें मिनिमम कितना डाउन पेमेंट दे के ला सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रैक्टर ही पहला ऐसे गाड़ी है जो बिना फाइनेंस के आपके घर आ जाती है। बाकी दूसरी कोई भी गाड़ी हो, कार लो आप, कुछ भी लो, वो पहले फाइनेंस होती है, पहले इंश्योरेंस होता है, देन वो वहाँ से आपको डिलीवरी देते हैं। लेकिन ट्रैक्टर ही ऐसा गाड़ी है जो पहले आपको गाड़ी देंगी, उसके बाद आप बाद में भी फाइनेंस करा सकते हो। तो अब चलिए बात करते हैं आप कितना डाउन पेमेंट दे के घर ला सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, आपका प्रॉपर्टी कितना है। जो होता है किसानों का ज़मीन बोलते हैं, जो ज़मीन होता है वो लगभग 10 एकड़ या फिर 20 एकड़ या फिर 5 एकड़ मिनिमम होना चाहिए। अगर आपके पास कम से कम 10 एकड़ है तो आप 50,000 देकर भी ट्रैक्टर ला सकते हैं और फाइनेंस करवा सकते हैं। अगर आप पहले से कुछ गाड़ी लिए हुए हैं और आप अच्छा किस्त वगैरह पटाए हैं, तो उसमें तो फिर सिविल स्कोर चेक किया जाता है कि आपका सिविल स्कोर क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर लोन प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। और पहली बार आप ट्रैक्टर ले रहे हैं तो पहले आपका वो पर्चा वगैरह देखा जाता है, ज़मीन का कागज़ वगैरह देखा जाता है, और फिर आपके घर का इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर उनको डाउट लगता है कि ये पटा पाएगा या फिर नहीं, या फिर आप फर्स्ट बार ट्रैक्टर ले रहे हो, तो आपको ये घर में आके वो इंस्पेक्शन करते हैं आपके घर का, और फिर आपको ट्रैक्टर दे दिया जाता है। तो मैं एक वर्ड में कहूँ तो अगर आपके पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो आप सिर्फ 50,000 देकर भी आप अपना ट्रैक्टर घर ले आ सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो 2 एकड़, 1 एकड़ या फिर 2-3 एकड़ जितना भी है, 5 एकड़ से कम, तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, जैसे 2 लाख 3 लाख इस तरीके से हो सकता है। बाकी मैं तो रिकमेंड करूँगा कम से कम 50% या फिर 40% डाउन पेमेंट दे के ही लाइए अगर आप किसान हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, सर्विसिंग करवाना या फिर ट्रैक्टर में मोस्टली उधारी काम होता है, तो सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास बजट है तो आप 50% या फिर 40% दे के ही घर लाइए, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ख़रीदने के बाद नया ट्रैक्टर है तो कुछ भी खर्चा नहीं, बहुत खर्चा होता है, सर्विसिंग होता है, ये सारी चीज़ें, या फिर कहीं ना कहीं छोटा मोटा टूट जाता है कुछ भी नया चीज़ में, या फिर आप नया ट्रैक्टर लिए हो तो आपको नॉलेज नहीं रहता है, तो सारी चीज़ें, काफ़ी सारी ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपको थोड़ा मोटा पैसा लगते ही रहता है। और फर्स्ट में आप ट्रैक्टर लेते हो या फिर बड़ी गाड़ी लेते हो तो पैसा झेलने का आदत नहीं रहता है और काफ़ी खर्च हो गया इस तरीके से अनुभव होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा 30% से 40% या फिर मैक्सिमम आप 50% दे सकते हैं और ट्रैक्टर ला सकते हैं। तो ये कुछ था दोस्तों आज का वीडियो ट्रैक्टर के बारे में। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।